हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमारी के बारे में है, जिसका नाम है टेटनस। टेटनस जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो कि एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है, ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाती है। एंड इनके सिम्टम्स, इसका जो है पैथोलॉजी, इसका जो है आपका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है दोनों के अंदर। इनफैक्ट जो टेटनस का डायग्नोस हुआ था, सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो एनिमल से ही हुई थी। इसके पीछे की कहानी ये है कि काफ़ी ज़्यादा फेटल केसेस आ रहे थे ह्यूमंस के अंदर टेटनस के, तो डॉक्टर्स ने क्या किया था कि ह्यूमंस का पस निकाला था, पस निकाल कर इंजेक्ट कर दिया था आपका एनिमल के अंदर। तो वो सेम सिम्टम्स जो थे एनिमल्स के अंदर देखने के लिए मिल रहे थे। तो आपस में जो सिम्टम्स होते हैं, आपस में जो इनका पैथोलॉजी होता है वो बहुत ज़्यादा सेम होता है। जो बैक्टीरिया इस चीज़ को कॉज करता है वो भी दोनों के अंदर सेम होता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, दोनों का हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एक हाथ पे हम एनिमल्स के में डिस्कस करेंगे, एक हाथ में हम ह्यूमंस के अंदर डिस्कस करेंगे। दोनों के अंदर जो डिफरेंस आता है वो हल्का सा सिम्टम्स के अंदर आता है, क्योंकि दोनों की एनाटॉमी जो है अलग होती है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसके पीछे की हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी कि कैसे पता चला कि एक पस के अंदर एक बैक्टीरिया है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर आ गया। हम बात करते हैं कि टेटनस को कॉज कौन करता है, मतलब टेटनस कैसे होता है। तो टेटनस जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल बीमारी है। क्या है? बैक्टीरियल मतलब जो कि एक बैक्टीरिया से होती है। तो ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई। एक ग्रुप है बैक्टीरियाज का, जिसके अंदर और भी बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे का हो गया क्लॉस्ट्रिडियम बोटेलिनम, जो कि बोटेलिनम टॉक्सिन निकालता है। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सॉइल मतलब आपका मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर डीप पाया जाता है, मतलब सॉइल के अंदर रहता है। अब इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि बैक्टीरिया को हवा पसंद नहीं है। बैक्टीरिया क्या है आपका? एनारोबिक है। क्या है? एनारोबिक, जिसको हवा पसंद नहीं है, ऑक्सीजन पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि मैंने मान लिया ये आपका सॉइल है, इसके नीचे आपका बैक्टीरिया रह रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है आपका सॉइल के अंदर रहता है। जैसे ही यहाँ से मिट्टी हटती है, यहाँ से कोई भी आदमी जो है इसको खोदता है, तो ये बैक्टीरिया जो एक्सपोज हो जाता है एयर को। जैसे ये बैक्टीरिया एयर को एक्सपोज हो जाता है, इसके लिए जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती हैं, इसकी संकट, इसकी लाइफ में संकट आ जाता है, तो ये बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आपका स्पोर्स के अंदर। क्या बना लेता है? आपके स्पोर्स। मैंने डायग्राम थोड़ा उल्टा बना दिया, ये वाले जो होने थे तो रॉड शेप होने चाहिए थे, इनको मैं बना देता हूँ रॉड शेप, एंड स्पोर्ट्स जो हैं गोल होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये रॉड शेप होते हैं एंड स्पोर्ट्स जो होते हैं गोल होते हैं। तो ये गोल गोल स्पोर्ट्स जो हैं ऊपर आ जाते हैं जब इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, जब इनको ऑक्सीजन मिल जाती है। ये स्पोर्ट्स क्या होते हैं? मिट्टी के ऊपर फैले रहते हैं। अब बाय चांस गलती से किसी आदमी को चोट लग गई, या किसी एनिमल को मान लीजिए चोट लग गई, वुंड हो गया, घाव बन गया, एंड ये वाले स्पोर्ट्स उस बॉडी के अंदर चले गए। बॉडी के अंदर कहाँ से जा सकते हैं? आपका ब्लड से जा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो होता है आपका ब्लड, जहाँ से चोट लगी होती है वहाँ से ही बैक्टीरिया घुस जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो ब्लड के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, पहले तो ये वापस कन्वर्ट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, अपनी वापस कन्वर्ट होते हैं इन फॉर्म के अंदर, और क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जहर, जो कि सारा का सारा टेटनस का खेल खेलता है बॉडी के अंदर। उस टॉक्सिन का नाम क्या है आपका? उस टॉक्सिन का नाम है टेटनोस्पाज्मिन। इस टॉक्सिन का नाम है टेटनोस्पाज्मिन। इसके टॉक्सिन के नाम के अंदर ही इसके सिम्टम्स, इसकी पैथोलॉजी छुपी है। टेटनो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। स्पैज्म होता है, इसी का ही सिनोनिम है। स्पैज्म मतलब होता है जब मसल को रिलैक्सेशन ना मिले, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती है, उसको बोला जाता है स्पैज्म। एंड उस कंडीशन को अगर आप ग्राफ पे पढ़ते हैं तो उसको टेटनस बोला जाता है। ठीक है, अगर आप मसल का ग्राफ बनाकर देखते हैं तो स्टेयर केस लाइक ग्राफ बनता है। ये फिजियोलॉजी का थोड़ा पार्ट था, इसलिए इसका नाम यहाँ से आया टेटनस। ठीक है, तो टेटनोस्पाज्मिन जो एक प्रोटीन का नाम है, जो कि टॉक्सिन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन है जो कि टॉक्सिन होता है, जो कि सारी की सारी पैथोलॉजी को कॉज करता है। तो ये जो प्रोटीन है वो कैसे कॉज करता है टेटनस को, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है। अब ये टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर है, ब्लड से ये टिश्यू के अंदर जाता है, टिश्यू से ये पहुंचता है आपका मसल्स के अंदर, एंड मसल के अंदर आपको पता होगा आपके न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, एंड इन न्यूरॉन्स के अंदर होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन,
जहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इन न्यूरॉन्स की वजह से, ठीक है। ये आपका मसल है एंड ये आपके न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स जो है आपके ऊपर किससे कनेक्ट होते हैं, आपके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। बहुत सही, ये आपके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो एक मैकेनिज्म होता है वो होता है इनहिबिटरी सिस्टम, इनहिबिटरी सिस्टम या फिर कहिए रेनशॉ शेल। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट जो है आपका पैथोलॉजी वाला पार्ट है, मेडिकल वाला पार्ट है, ठीक है। रेनशॉ सेल जो होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स निकालते हैं वो आगे वाले न्यूरॉन को, आगे वाले न्यूरॉन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। जो आपके इनहिबिटरी होते हैं वो इनहिबिट करते हैं अगले न्यूरॉन को, एंड ये आपके इनहिबिटरी, ठीक है, और एक्साइटेटरी वाले एक्साइट करते हैं। तो एक ये न्यूरॉन है इनहिबिटरी न्यूरॉन, एंड इसके आगे एक न्यूरॉन अटैच्ड होगा, ठीक है, इसके आगे एक न्यूरॉन अटैच्ड है। इसके अंदर से क्या निकलते थे, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स निकलते थे, ठीक है। अब ये जो आपका टेटेनोस्पाज्मिन है या फिर टेटनस टॉक्सिन है, ये जाता है इसके अंदर, ये जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर से जो है न्यूरोट्रांसमीटर का जो निकलना होता है, जो उसका न्यूरोट्रांसमीटर को जो छोड़ता है उसको स्टॉप कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो होता क्या है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको यहाँ आकर इसको इनहिबिट करना होता है, इनहिबिट करना होता है, वो इनहिबिशन रुक जाता है, वो इनहिबिशन नहीं होता, जिस वजह से ये वाला जो न्यूरॉन होता है वो ओवर फायर करता है। क्या करता है, ओवर फायर या फिर ओवर एक्साइट करता है, ओवर स्टिमुलेट करता है। किसको करता है, ये वाला जो फाइबर होता है वो आपका ये वाला फाइबर है, ये डायरेक्टली फाइबर यहाँ आकर अटैच होता है, एंड ये जो आपका मसल है पूरा का पूरा ये एक्साइट होता है, ओवर एक्साइट होता है, ओवर स्टिमुलेट होता है, अपनी हद से ज़्यादा इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। एंड ये जो इनहिबिटरी वाला सिस्टम था ये तो पूरा का पूरा फेल हो चुका है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है उसने इस पूरे मैकेनिज्म को फेल कर दिया है, जिस वजह से ये रिलैक्स नहीं हो रहा है। लगातार जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको बोला जाता है टेटनस या फिर स्पैज़म, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है टेटनस या फिर स्पैज़म, एंड जो स्टार्ट होता है नॉर्मली वो होता है आपका फेस की मसल से, जो आपकी जॉ की जो मसल्स होती हैं वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं, तो उसको बोला जाता है जॉ लॉक। आपका जो जॉ होता है वो लॉक होना शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइटली उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जॉ की मसल्स को, और पूरा का पूरा आपका जॉ लॉक हो जाता है। यही सेम चीज़ एनिमल्स के अंदर देखी जाती है, उनका भी जो जॉ है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी का दूसरा नाम है लॉक जॉ या फिर जॉ लॉक, जिसके अंदर जॉ मतलब जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एंड एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कैसे फैलता है, मैंने आपको बता दिया कि सॉइल से फैलता है, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको चोट लग जाती है, या फिर आप किसी भी सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, आपका कोई वूंड हुआ, आपका कोई घाव हुआ, तो चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है कि अगर किसी चीज़ पर जंग लगी है एंड वो चीज़ आपको लग जाए, उससे चोट लग जाए, तो आपको टेटनस होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन सा एक साइकोलॉजी है आपके अंदर, आपके मतलब ह्यूमंस के अंदर है कि जिस चीज़ पर जंग लगी है उसी से होगा। तो ये काफ़ी गलत आपका सिनेरियो है, काफ़ी गलत सोच है कि जिस चीज़ से जंग लगी है उसी से होगा। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपका साफ आपका चाकू भी हो सकता है, चाहे आपका कोई एक नेल हो सकता है, एक चोभा हो सकता है जिसके ऊपर जंग ना लगी हो, अगर वो आपको लग गया हाथ में तो चांसेस हैं कि आपको टेटनस हो सकता है। ये सारा का सारा आपको हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो मेन चीज़ है टेटनस करने वाली वो होता है बैक्टीरिया, ना कि सॉइल। अगर ये बैक्टीरिया किसी भी तरह से आपकी बॉडी के अंदर घुसता है तो सारी की सारी सिम्टम, सारी की सारी पैथोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जिस चीज़ पर रस्ट होगी वही जो है आपका टेटनस कॉज करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ये मेरा मेन मकसद था समझाने का। और दूसरी चीज़, अगर आपको चोट लगती है तो आप क्या कहते हैं, यार अब मेरे को वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, आदमी सोचता रहता है। जैसे आप रेबीज़ के बारे में सोचते हैं, रेबीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। एक हफ्ता हो गया, कुछ सिम्टम्स तो मिले नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है वैक्सीन लगवाने का। तो एक बात याद रखिए, जो बैक्टीरिया है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक हफ्ते से एक महीने तक कई बार ये सप्रेस रहता है बॉडी के अंदर। हो सकता है कि एक महीने बाद इसके सिम्टम्स हैं, हो सकता है कि एक हफ्ते बाद इसके सिम्टम्स हैं। तो एक महीने से एक हफ्ते, एक हफ्ते से एक महीने के बीच जो होता है इसका फेज होता है, ठीक है। तो आप जो है तुरंत वैक्सीन लगवाएं, बेटर तो यही है। और अगर आपका चोट जो है किसी रस्टेड चीज़ से लगाए तो अभी आपको वैक्सीन लगवानी है, अगर किसी क्लीन चीज़ से लगाए तो अभी आपको वैक्सीन लगवानी है। तो ये तो आपको ह्यूमंस के अंदर मैंने बता दिया। एनिमल्स के अंदर जो है ये जो बीमारी होती है देखने के लिए, वो कॉमनली कब देखने के लिए मिलती है, जब आपका हॉर्स, हॉर्स होता है ना, हॉर्स नेल जो होते हैं, हॉर्स शू जो होते हैं,
जो आपकी शू के नीचे जो लगाए जाते हैं कैटल्स के या फिर हॉर्स के, उसके अंदर आप नेल को ठोकते हैं, उसको तो आप अटैच करते हैं हॉर्स शू को, तो उसको नेल को ठोकते हैं, तो चांसेस होते हैं कि सॉइल के साथ या फिर उस नेल पे जो है वो बैक्टीरिया चला जाता है एंड आपका टेटनस कॉज हो जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे ह्यूमंस का बच्चा पैदा हो चाहे एनिमल्स का बच्चा पैदा हो, तो उसकी प्लेसेंटा को काटा जाता है, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को जब काटते हैं तो ह्यूमंस के अंदर तो आजकल ये काम डॉक्टर्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लीन इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे उसको काटा जाता है, तो टेटनस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एनिमल्स के अंदर, जो गांव के अंदर जो मेंटेलिटी है उसको काट देते हैं किसी भी चीज़ से, मोस्टली वो कैंची हो सकती है आपकी घर की, तो उस कैंची पे जो है चांसेस हैं कि वो बैक्टीरिया लगा हो ऑलरेडी एंड आपने उसको जो है प्लेसेंटा या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा है, उससे अम्बिलिकल कॉर्ड तब आपने उससे काटी तो वो जो बैक्टीरिया था उसके जो स्पोर्स थे वो उसकी ब्लड वेसल के अंदर चले जाते हैं, उस बच्चे की, उस बछड़े की, तब उसके अंदर ये स्पोर्स आ जाते हैं, तो ये सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी आपको उसकी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती है, सारे के सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं उस न्यूबॉर्न काफ या फिर बछड़े के अंदर, ठीक है। अब वो क्या सिम्टम्स होते हैं एनिमल्स के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, जो आपका एनिमल के अंदर एक सिम्टम्स कॉमनली देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका आर्च, आर्च जो होती है बैक, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, जो बैक होती है एनिमल की वो पूरी की पूरी क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, बैक की जो मसल्स होती हैं, अगर ये आपका एनिमल है, मेरा डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ये गाय है या फिर घोड़ा है, ठीक है, एंड यहां पर मैं आपको ह्यूमन बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये आपका ह्यूमन है। अब ये जो बैक होती है ये पूरी की पूरी आर्च हो जाती है, मतलब ये पूरी की पूरी कर्व हो जाती है ऊपर से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी की सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, आपका ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा फेल हो चुका है, जिस वजह से मसल्स को ओवर एक्साइट किया जाता है एंड ये पूरी की पूरी बैक आपकी आर्च फॉर्म कर लेती है, ऐसी बन जाती है। सेम चीज़ आपकी ह्यूमंस के अंदर होती है, ह्यूमंस की जो बैक होती है वो जो आर्च बना लेती है, पीछे की तरफ पूरी की पूरी कर्व हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी ऐसे करके कर्व होने लगेगी, ठीक है, अगर मैं लेटूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, मेरा सर यहाँ आएगा, मेरी टांगें यहाँ आएंगी, मेरे हाथ यहाँ आएंगे, तो सेम आर्च जो है ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलती है और एनिमल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। तो बैक जो हो जाती है एनिमल्स की वो आर्च ले लेती है, एक कर्व ले लेती है। टेल जो हो जाती है वो खड़ी हो जाती है ऊपर को, इरेक्ट रहती है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की मैं आपको फिजियोलॉजी समझाता हूँ। आपकी जो टेल है वो किससे बनी है, आपकी बोन से बनी है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एनिमल्स का कुछ पार्ट जाता है उसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके अंदर, मसल्स, ठीक है, मसल्स होती हैं। मसल जो होती हैं वो भी आप क्या कर रही हैं, ओवर एक्साइट कर रही हैं, तब मसल जो एक्साइट करेंगी, ओवर एक्साइट करेंगी तो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो जो है पूंछ जो है रिलैक्स होने की बजाय जो है सीधी हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट होने लगेगी। अब मैं बात करता हूँ कान की, ईयर्स की, ईयर्स के अंदर भी जो होती हैं आपकी मसल्स होती हैं, ह्यूमंस के जो ईयर्स होते हैं उसके अंदर भी मसल्स होती हैं, लेकिन ह्यूमंस की जो ईयर्स की मसल्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं, मतलब वो इवोल्यूशन के साथ साथ उनका काम करना रोक दिया गया है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन बोल दीजिए आप, तो जिसके अंदर आपका कान का मसल, मतलब जिन चीज़ों की जरूरत नहीं होती है उनको जो है ख़त्म कर दिया जाता है बॉडी से। तो ऐसे एग्जांपल होता है आपका ह्यूमन ईयर्स का। लेकिन भैंस के अंदर, गाय के अंदर, कुत्ते के अंदर, इन सब की जो कान की मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, क्योंकि इनके पास हाथ नहीं है जो अपने हाथों से ये चीज़ों को हटाएं। अगर इनके कान पे कोई मक्खी आके बैठ जाती है तो ये कान, इनके पास एबिलिटी नहीं है कि अपना हाथ लेके जाएंगे कान के पास, ये अपने कान को खुद हिलाते हैं, आपने देखा होगा। तो हम बात मेन बात पर आते हैं, जो मेरा मकसद था समझाने का, वो ये है कि इनके कान के अंदर मसल्स होती हैं, ठीक है, इनके कान की मसल भी क्या करेंगी, ओवर एक्साइट होंगी, ओवर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ओवर स्टिमुलेट होंगी और इनके कान के हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो इनकी पूंछ खड़ी हो जाती है, कान खड़े हो जाते हैं, इनकी जो ये है बैक है वो एक कर्व ले लेती है। अब जो मैंने आपको ह्यूमंस के अंदर बताया था लॉक जॉ, जो जॉ होता है वो लॉक होने लगता है, वो सेम चीज़ जो एनिमल्स के अंदर भी देखी जाती है, जॉ जो होता है लॉक होने लगता है, लॉक हो जाता है, जॉ खुलता नहीं है, ठीक है, मतलब खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, बस सीधी बात ये है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट मैंने आपको समझाया कि सिमिलर है, कितनी सिमिलैरिटी सी रखते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो था वो भी सेम था, ठीक है, सिम्टम्स जो थे वो भी सेम थे। अब मैं बात करता हूँ उनका ट्रीटमेंट क्या है, ह्यूमंस के अंदर क्या ट्रीटमेंट है, एनिमल्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो आप इसको प्रिवेंट करिए, प्रिवेंट मतलब आप वैक्सीनेशन कराइए। टेटनस की जो है वैक्सीन आजकल मार्केट के अंदर आ चुकी है,
जिसके अंदर जो है इस बैक्टीरिया के वीकर फॉर्म को, बैक्टीरिया के वीकर फॉर्म को बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिस वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोला जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। जब भी आपको फिर से कभी कोई स्पोर मिलेगा तो आपकी बॉडी के अंदर से इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा एंड आपकी बॉडी ऑलरेडी इसको मार देगी, ठीक है, अगर वैक्सीन लगी है तो। अगर वैक्सीन नहीं लगी किसी बच्चे को एंड उसको किसी चीज़ लोहिया लग गया या फिर किसी चीज़ से उसको चोट लग गई, तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। अब आप बोलेंगे यार वैक्सीन और टेटनस का इंजेक्शन सेम चीज़ है। वो सेम चीज़ नहीं है। जो आप तुरंत जो इंजेक्शन लेते हैं उसको बोला जाता है टेटनस इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये टाइप की आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट योर प्लाज्मा, अगेंस्ट योर टेटनस टॉक्सिन। ये जो टेटनस टॉक्सिन होता है या फिर टेटनोस्पाज्मिन होता है जिसका नाम है, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इनको पकड़ लेती हैं बॉडी के अंदर जाकर, आपके ब्लड के अंदर जैसी ही जाती हैं, इनको वैक्सीन के फॉर्म में आप देते हैं तो इनको पकड़ लेती हैं और इनका इफेक्ट जो न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो सबसे पहली अप्रोच तो ये है। उसके अंदर आप क्या दे सकते हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं, क्योंकि टेटनस के अंदर जो मसल इफेक्ट होती है वो आपकी स्केलेटल मसल होती है, आपकी हार्ट की मसल इफेक्ट नहीं होती है, आपके हार्ट रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्मूथ मसल अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो उसके अंदर दिया जाता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसके ऊपर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है, कि कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आप दे सकते हैं, आप ये वाला इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड अगर फीवर आ रहा है तो आप जो है इसको अवॉइड करने के लिए जो है एनसेड्स दे सकते हैं। एनसेड्स भी एक कैटेगरी होती है फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की। तो ये सारा का सारा आप जो है उस पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तब तक जो है आपको मतलब सिम्टम्स कम होते हुए नहीं दिखते हैं। एंड अगर आपने इसको डिले कर दिया, अगर आपने मतलब लॉकजॉ वगैरह पर इसका अगर पहुंच जाता है पेशेंट, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करा, तो बहुत ज़्यादा फेटल हो जाती है बीमारी। फेटल क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो मसल्स हैं आपकी, स्केलेटन मसल्स हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मसल वीकनेस आने लगती है। सबसे पहले तो आप खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका पूरा का पूरा जॉ जो है लॉक हो गया है। कई बारी इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, मतलब आप वार्ड्स के अंदर पेशेंट्स देखते हैं, उनका जो है फ्रैक्चर हो जाता है, जॉ जो है टूट जाता है, इतना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जॉ टूट जाता है, जबड़ा टूट जाता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके अंदर ट्रीटमेंट बहुत जल्दी दिया जाए तो बेटर है, जितनी जल्दी दिया जाए तो बेटर है, ठीक है। और मैंने आपको एक वैक्सीन भी बता दी। एंड ह्यूमंस के अंदर जो वैक्सीन दी जाती है वो तीन वैक्सीन एक साथ दी जाती है टेटनस की, जिसको बोला जाता है डीपीटी, डिप्थीरिया की वैक्सीन, पर्टूसिस की वैक्सीन एंड टेटनस की वैक्सीन एक साथ दी जाती है। इसलिए बोला जाता है आपने डीपीटी की वैक्सीन ली है नहीं ली है। तो जो डीपीटी की वैक्सीन होती है वो टेटनस के लिए भी होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आज हमने बात कर ली टेटनस के बारे में, कि कितनी खतरनाक बीमारी है एंड इसका ट्रीटमेंट आज पॉसिबल है। एक बात और रह गई, ये जितनी खतरनाक बीमारी है क्या ये इतनी आसानी से एक दूसरे में फैलती है क्या? ज़रा सोचिए, मैंने आपको पूरी पैथोलॉजी पढ़ा दी, अब सोचिए ज़रा आप। तो इसका आंसर है कि ये जो है आसानी से नहीं फैलती है, क्योंकि ये इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे से आपस में नहीं फैलेगी। जब आपको चोट लगेगी, जब आपको स्किन के अंदर इन्फेक्टेड सॉइल जाएगी, तभी ये बीमारी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर इसका जो है फैलना नहीं देखा जाता, ये कंटेजियस नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जब हमने टेटनस के बारे में डिस्कस किया है, इसी के साथ हम इस वीडियो को अब ख़त्म करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।